हेलो नेट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शुभम, BMS सेकेंड प्रॉप, थर्ड ईयर स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। कि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग हो रही है, आयुष काउंसलिंग, उसके लिए मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा। साथ ही साथ आपको लाइव करके भी दिखाऊँगा कैसे फिल करना होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा, अंत तक बने रहना। कोई भी डाउट होगा तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके भी बताना, और साथ ही साथ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्प्ले पर शो हो रहा है, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9369982118। इस पर आप कॉल करके भी पता कर सकते हो, जो भी आपको डाउट है वो उसको फुल कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो होम स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पर यूजी काउंसलिंग का सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो कैंडिडेट की लॉगिन एक्टिविटी वाला बोर्ड है वो खुल जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप अपने डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिए। ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कैंडिडेट की एक्टिविटी बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस पॉइंट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो कैंडिडेट का लॉगिन एक्टिविटी आपको दिख जाएगा। ये कैंडिडेट का जो है पहले रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको पासवर्ड, रोल नंबर और पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी पिन डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रखा होगा, इसको एग्री करके आपको आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाना है। यहाँ पर मैंने एग्री कर दिया। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डालने हैं, इस पर रोल नंबर डालने हैं। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, कैंडिडेट का नेम डालना है, कैंडिडेट के मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल देने हैं, और मंथ, ईयर और कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट क्लिक करने के बाद आपके पास जो न्यू डैशबोर्ड आएगा उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो जब आप लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का कैंडिडेट बोर्ड आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इस तरह आपके पास एक बोर्ड लॉगिन बोर्ड खुलेगा, जहां पर आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन, कैंडिडेट, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा होगा। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, सेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है। और पासवर्ड कैसे बनाने मैं आपको बता देता हूँ। एक अपर केस वाला लेटर होना चाहिए, दूसरा लोअर केस वाला, और कोई स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद कोई नंबरिंग होना चाहिए। और ये सिंपल नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड बनाने हैं आपको। आपको 8 से लेकर 12 अंकों तक का होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको फिल करना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालना है यहाँ पर, और ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम फिल करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हो। जो सर्विस जो भी कंप्लीट होगा वहाँ पर टिक हो जाएगा। यहाँ पर वेटिंग लिखा है तो ये कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करते चलना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप क्या होगा कि जब फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली यह फिल करता क्या हुआ आ जाएगा। यहाँ पे इंडियन रिलीजन में आपको जो भी रिलीजन है, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, ये जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी में जो भी कैटेगरी आपने नीट में फॉर्म फिल करते समय भरा था, वही ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन रहेगा, वही ऑप्शन होगा। अगर आपने OBC भरा होगा तो OBC आएगा। उसके अलावा आपके पास अगर SC भरा होगा तो SC आएगा। दूसरी काउंसलिंग में जब भी हमने MCC के काउंसलिंग करवाया तो उसमें देखा कि अगर आप OBC से हो और आपके पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल की ओर शिफ्ट हो सकते हो, जनरल फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आपको, आपके पास अगर OBC का सर्टिफिकेट, अगर आपने OBC डाला है तो OBC का सर्टिफिकेट आपको लाना ही पड़ेगा, यहाँ पर ये मैंडेटरी है। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपको नो करना है। जिसके पास पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो एस कर देगा। मदर टंग में जिसका भी जो लैंग्वेज है, यहाँ पर हिंदी डाल देना है। सेव को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास जो फॉर्म का नेक्स्ट जो
फिलअप करने के लिए जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप 11th और 11th इक्विवेलेंट डिटेल भरना पड़ेगा। पासिंग स्टेटस में पास दिखाना है, पासिंग ईयर डालना है, 11th का रोल नंबर। अगर सबसे कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन ये है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसको हम क्लियर करेंगे। अब बोर्ड में यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। 11th का एड्रेस 11th कॉलेज का है, जहाँ से भी आपने 11th किया है वहाँ का एड्रेस डाल देना है और पिन कोड डाल देना है, ये भी पिन कोड डाल देना है। अब जिन बच्चों का 11th का प्रमोट कर दिया गया है, उसके पास रोल नंबर ही नहीं है ना ही मार्कशीट है, तो वो क्या करेगा, इंटर की मार्कशीट का रोल नंबर डाल सकता है। अगर या तो कॉलेज में जाके वो बात कर ले अपने कॉलेज में, और वहाँ से जो भी रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर डाल सकता है। अगर इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसकी नंबर, इसी वेबसाइट पे एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, उस पर कॉन्टेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब हम 11th के बाद 12th का डिटेल भरना पड़ेगा आपको। इसमें पासिंग स्टेटस में पास दिखाना है, ईयर आपको डालना है, 12th का रोल नंबर डालना है, और बोर्ड स्टेटस अदर डाल देना है। अभी भी ऑप्शन एक ही आ रहा है, अदर ही डालने, क्लास 12th का एड्रेस डाल देना है और पिन कोड। यहाँ पर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको पासिंग स्टेटस पास दिखा देना है, और इसके बाद जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको डाल देने, और जो भी आपका मार्क्स है ना वो आपको ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पर डाल देने हैं। ऐसे करके सारा तीनों सब्जेक्ट को भर देना है। भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये मेन इम्पॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे फॉर्म को, इसको, इस स्टेप को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ऑल इंडिया को गवर्नमेंट, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आपको क्लिक करना है, और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट, अगर आप डीम्ड के लिए सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी मनी जो है 50,000 हो जाएगा। अगर आप ये तीनों ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका 20,000 रुपये आपको सिक्योरिटी अमाउंट देने होंगे। अगर आप इसमें से कोई एक भी करते हो तब भी 20,000 देने हैं, तीनों करते हो तब भी 20,000 देने हैं, कोई दो भी करते हो तो भी 20,000 देने हैं। इन तीनों कोटा के लिए आपको 20,000 देने होंगे, और डीम्ड जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको 50,000 रुपये पे करना होगा। तो ध्यान से आपको क्लिक करना है। अब आपके पास फाइनली ये प्रिंट आएगा, जहाँ पर आपकी पूरा डिटेल दिखाई देगा, कितना मार्क्स है, कितना रैंक है, किस कैटेगरी से है। एक बार आप फाइनल चेक कर लेना, इसको चेक करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपने यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया, दोबारा से यहाँ पे एडिट नहीं होगा, तो ध्यानपूर्वक इसको सही से भरना, क्योंकि ये फाइनल प्रिंट है, इसके बाद कोई भी एडिट नहीं होगा। यहाँ पर करेक्शन होने का कोई विंडो नहीं खुलने वाला है। अब आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के फी पेमेंट करना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद सिक्योरिटी मनी सबमिट करेंगे, और तब जाके आपके पास चॉइस फिलिंग के लिए अवेलेबल ऑप्शन खुलेंगे, आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो ये आपका टोटल है सारा प्रोसेस, यहाँ पर एक एक स्टेप मैंने आपको दिखाया कैसे क्या करना है। डीम्ड कॉलेज के लिए करा होगा तो आपको 50,000 देने होंगे। अगर आपके बाकी के यूनिवर्सिटी के लिए किया होगा, जैसे कि गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको 20,000 देने होंगे। ठीक है, तो ये आपको पे करने के बाद आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आप चॉइस फिलिंग करोगे, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे वो आप सबसे पहले आपका मेजर किया जाएगा। ये कंप्यूटर जनरेटेड होगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा अगर क्वालिफाई मार्क्स, मतलब आप कट ऑफ से क्वालिफाई हो जाते हो, आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हो तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही कॉलेज रखना जो आपको लेने होंगे, या आपको जो कॉलेज चाहिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 9369982118 इस पर आप कॉल करके भी बात पूछ सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।